मॉनसून सीजन किसे नहीं पसंद है? मॉनसून सीजन हम सबको पसंद है, लेकिन मॉनसून सीजन हमारे स्किन को पसंद नहीं है, यानी कि हमारी जो त्वचा है मॉनसून सीजन में, यानी कि जहां बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, कि उस मौसम में हमारी स्किन जो है, हमारी जो त्वचा है, बहुत ज्यादा डल लगती है, बहुत ज्यादा मुरझाई हुई लगती है। चाहे स्किन टाइप कोई भी हो, चाहे ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, चाहे किसी भी टाइप की आपकी स्किन हो, आपकी स्किन की परेशानी बढ़ जाती है। मोस्टली ये जो परेशानी है, ये ऑयली स्किन वालों को और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों की स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, लेकिन जहाँ मॉनसून सीजन शुरू होता है कि ऑयली स्किन वालों की स्किन और भी ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, मीन्स ऐसा हो, उनकी जो परेशानी होती है ऐसी होती है कि जब आप वो वॉशरूम से निकलते हैं, फेस को वॉश करते, जहां वो क्रीम लगाते हैं, कि क्रीम लगाने के विदिन आर उनकी स्किन फिर से वो चिपचिपी हो जाती है और रंगत और भी ज्यादा कम दिखने लगता है। तो अगर ये परेशानी आपकी है, चाहे स्किन टाइप कोई भी हो, तो आपके इस परेशानी का सलूशन लेकर के आई हूं मैं। चाहे मॉनसून सीजन हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे सीजन कोई भी हो, ये फेस पैक आपकी स्किन को कभी भी काला नहीं पड़ने देने वाला है। वो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूँ छवि। जो मुझसे बड़े हैं उन्हें दिल से प्रणाम और बहुत सारा प्यार, और जो भी मुझसे छोटे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ ना, ये सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग नहीं बनाने वाला है, ये आपकी स्किन को ब्राइट करने वाला है, आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाने वाला है, आपके चेहरे में जो काले दाग धब्बे हैं उनकी परेशानी को दूर करने वाला है। सुपर से भी ऊपर वाली रेमेडी है, और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस पैक को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करे तो ऑल के ऊपर क्लिक करे। ऑल के ऊपर क्लिक करने से ये होता है ना कि मेरे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा दो और यूट्यूब चैनल है। पहला जो, सेकेंड जो चैनल है उसका नाम है छवि की दुनिया, जिसमें मैं डेली ब्लॉग्स करती हूँ। अभी लास्ट मुझे लगता है 3 वीक्स से, 21 या 22 दिन से ऑलमोस्ट मैं उसके ऊपर कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ। सब फैमिली रीजन था उसके कारण, बट अभी कल से आपको उसके ऊपर मेरे ब्लॉग दिखने वाले हैं। अल्टरनेट डे आपको ब्लॉग दिखने वाले हैं उसके ऊपर। मेरे लाइफ में अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत चेंज आने वाला है, वो सब जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल छवि की दुनिया में। तो अगर आप मुझसे और भी ज्यादा करीब से जुड़ना चाहते हो तो मेरे उस चैनल पे जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नाम आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। जितना आप मुझसे जुड़ेंगे, जितना आप मुझे प्यार देंगे, उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये भी वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लग जाए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। सोशल मीडिया पे जहां कहीं भी हो आप, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, जहां कहीं भी हो वहां पे भी मेरे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरा तीसरा चैनल है छवि अश्विनी कुमार चैनल। उस चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे। जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं गिव अवे विनर अनाउंस करूंगी। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज से भी अगर आप मेरे उस चैनल पे जाते हैं, मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, अपलोड करने के 1 आवर के अंदर में अगर मेरे उस वीडियो को देख लेते हैं, उस वीडियो के ऊपर आप कमेंट करते हैं, हर एक वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, तो आप शायद गिव अवे विनर अनाउंस हो सकते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि सिर्फ गिव अवे तक ही आप मेरे साथ ना जुड़े, मेरी इस फैमिली का हमेशा हिस्सा बने रहें। इस चैनल के ऊपर भी बहुत कुछ फ्यूचर में होने वाला है। तो फ्यूचर में क्या, मुझे लगता है 2-3 महीने में ही होने वाला है। तो इस चैनल के साथ भी बनाए रखें अपना प्यार, और मेरे इस चैनल के वीडियोस को भी भर भर के अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें।
ठीक है, तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, अब बात कर लेते हैं आज के इस फेस पैक के बारे में। शेयर कर रही हूँ इसको बनाने का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो लेना है आपको बीटरूट पाउडर। बीटरूट पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप बीटरूट जूस ले सकते हो। क्लियर हो गया, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बीटरूट पाउडर। अगर आपके पास बीटरूट पाउडर नहीं है तो बीटरूट का जूस ले सकते हो। बीटरूट यानी चुकंदर, वही जिसका हम लोग सैलेड वगैरह खाते हैं, और हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई आप बीटरूट का जूस लीजिए, शरीर में जो खून की कमी है उस खून की कमी को बढ़ाएगा। तो बीटरूट का इस्तेमाल सिर्फ हम अपने डाइट में नहीं, हम अपने फेस के ऊपर भी करते हैं, और बीटरूट हमारी स्किन को बहुत ज्यादा व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है और लाइटन करता है। यकीन करें बीटरूट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी रंगत को बहुत ज्यादा निखारता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप सांवले हो तो एकदम से मिल्की व्हाइट कर देता है। मैं आपको बता दूं हर रंग खूबसूरत होता है, बट बीटरूट ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन को निखारता है, आपके चेहरे में ग्लो लाता है, आपके चेहरे में शाइन लाता है और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। आपके चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे है ना उसको खत्म कर देता है। तो अगर आप बीटरूट जूस लेते हो तो आप उतना बीटरूट जूस लीजिएगा जो कि मैं बाकी इसके इंग्रेडिएंट बताने वाली हूं ना आपको, उस सारे इंग्रेडिएंट आप इसके साथ मिक्स कर सके। समझ में आया ना? अगर आप पाउडर लेते हो तो 2 स्पून बीटरूट पाउडर लोगे, अगर आप जूस लेते हो तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार लेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, नेक्स्ट वीक से यानी कि जो कमिंग वीक होगा, ये आज हो गया फ्राइडे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन नहीं, नेक्स्ट वीक से आपको मंडे या फिर ट्यूसडे, जिस दिन भी मेरा पहला नेक्स्ट वीक में वीडियो अपलोड होगा उस दिन से आपको मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, है ना? तो चलिए ये बातें भी हो गई, आपको बता भी दी मैं कि जूस और पाउडर कितना लेना है। अब जो इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट एड करना है वो करना है आपको लिकोराइज पाउडर, जिसे मुलेठी भी पाउडर भी कहते हैं, जिसे यष्टि मधु भी कहते हैं। वो हमारी स्किन को व्हाइटन, ब्राइटन और लाइटन करता है और हमारी रंगत को बहुत ज्यादा साफ करता है। आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल होता था। कफ कोल्ड में अगर आपको वेट लॉस होना है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के काम में आता है। तो मुलेठी पाउडर बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे लाइफ में, सिर्फ चेहरे के लिए नहीं बाकी सब चीज के लिए भी, ठीक है। अब मुलेठी पाउडर आपको कितना लेना है वो मैं बता दूं, अगर आप बीटरूट पाउडर लेते हो 2 स्पून तो मुलेठी पाउडर आपको लेना है 1 स्पून, ठीक है। अब जो इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऐड करना है आपको मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी इजिली लोकल मार्केट में अवेलेबल है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट लोकल मार्केट में अवेलेबल है, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कितना लेना है, मुल्तानी मिट्टी भी ले लेना है आपको 1 स्पून। ये जो मॉनसून सीजन है ना उसमें मुल्तानी मिट्टी बहुत बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए, पिंपल्स वगैरह नहीं आएंगे। साथ ही साथ ये जो चिपचिपाहट वाली जो गर्मी है ना, चिपचिपी वाली जो गर्मी है वो आपके चेहरे को खराब नहीं करने वाले हैं। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट आपको इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो ऑप्शनल है, वो है वाइल्ड टर्मरिक। अगर आपके पास अवेलेबल है तो 1 पिंच आप ऐड कर लोगे, क्योंकि मॉनसून सीजन के लिए वाइल्ड टर्मरिक बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होता है, जो कि अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्ने, स्कार्स वगैरह आने के जो चांस होते हैं ना, छोटे छोटे जो दाने होते हैं, पिंपल्स जैसे जो दिखते हैं जो, बट वो होते नहीं है, उसको आने से रोकता है ये कौन सा, तो वाइल्ड टर्मरिक। तो 1 पिंच आप लोगे, अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अब जो इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, एकदम ध्यान से सुने, अगर आपने बीटरूट जूस लिया है तब आपको इसके अंदर और कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से मिक्स करें, कवर करके छोड़ दें 1/2 आवर के लिए, और उसके बाद जब वो रेस्ट ले लेता है 1/2 आवर, उसके बाद आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। बट अगर आप पाउडर फॉर्म में सब इस्तेमाल करते हो तो आपको अगर रॉ मिल्क सूट करता है तो आप रॉ मिल्क लोगे, अगर आपको कर्ड सूट करता है यानी कि अगर दही सूट करता है तो आप दही लोगे, अगर आपको पोटैटो जूस सूट करता है तो आप पोटैटो जूस लोगे। यानी कि आपको जो भी सूट करता है ना उसके साथ आप इसको मिक्स करेंगे और आप अपने पूरे फेस और नेक के ऊपर लगाना है। जब भी फेस और नेक के ऊपर लगाए तो फेस आपका होना चाहिए एकदम से क्लीन,
कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। फेस और नेक के ऊपर आपको अप्लाई करना है अच्छे से, अंडर आई आपको नहीं लगाना है, फेस नेक के ऊपर अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट रखना है, यानी 15-20 मिनट्स रखना है, और उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने फेस को कर लेना है वॉश। अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाने की एज क्या है। अब बताइए इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को हार्म करे? नहीं ना। तो आराम से आंख बंद करके, एक्चुअली मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ कि 15 साल से कम के जो उम्र हो ना उसमें कोई भी फेस पैक लगाए, है ना, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ना वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ग्लोइंग होती है, बट उनको सिर्फ ना एक अच्छा सा क्रीम, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर या फिर अच्छा सा सनस्क्रीन, यानी कि कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर या फिर अच्छा सा सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता है जो कि उनकी रंगत साफ रहे। लेकिन फिर भी बहुत सारे मुझे क्वेरी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरे बच्चे की उम्र 7 साल की है, मेरे बच्चे की उम्र 10 साल की है, क्या मैं ये लगा सकती हूँ? तो ये फेस पैक को अगर आपके बच्चे की उम्र हो गई है 7 साल की तो आराम से लगा सकते हो, हफ्ते में सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। आप चाहे तो अपने बच्चे के पूरे बॉडी पे इसे लगा सकते हो, चाहे तो आप भी अपने पूरे बॉडी पे इसे लगा सकते हो। बच्चे के ऊपर लगाते हो तो 10 मिनट रखें और अच्छे से मसाज करते हुए वॉश कर लें। अगर आप अपने फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर लगाते हो तो चेहरे के ऊपर 15 से 20 मिनट, बॉडी के ऊपर 1 मिनट रखें और वॉश कर लें। जहां तक आपके लगाने की बात है कि आपको इससे कितने बार लगाना है, तो देखिए अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं है और अगर आप इसको अपनी रंगत को निखारने के लिए लगाना चाहते हो, मानसून सीजन में आपकी स्किन खिली खिली रहे उसके लिए लगाना चाहते हो, तो हफ्ते में 3 दिन सफिशियंट है। बट अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग धब्बे हैं तो आप इसको डेली लगा सकते हो, यानी कि डेली लगाएं, जब सार लेने जाने वाले होते हो उसके पहले लगा लें और फेस को वॉश कर लें। जब भी फेस को वॉश करते हैं तो अच्छा सा टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मौसम चाहे कोई भी हो, अगर चेहरे की रंगत में और हाथ की रंगत में अगर फर्क नहीं देखना चाहते हो तो बॉडी का भी केयर आपको उतना ही करना चाहिए। जहां तक इस पैक को बना के रखने की बात है, इस पैक को बना करके आप रख सकते हो फ्रिज के अंदर, आप आराम से इसको फ्रिज के अंदर बना करके रख सकते हैं 2-3 डेज तक, ठीक है। लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अभी मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगी। अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ बट बहुत जल्द आप सबके कमेंट के रिप्लाई करूंगी, बट जो 1 आवर के अंदर कमेंट रहेगा बस उसके कमेंट के ही रिप्लाई करूंगी। उसके बाद भी मैं उनके कमेंट के रिप्लाई करूंगी जिनके कमेंट मुझे इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है ना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।